हेपेटाइटिस मूल रूप से लीवर की बीमारी होती है जो वायरल इन्फेक्शन होने के कारण होती है। इस कंडीशन में लीवर में सूजन और असहनीय दर्द होता है। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं जैसे ए, बी, सी, डी और ई। इन 5 प्रकारों को लेकर ही ज्यादा चिंता करने की जरूरत है क्योंकि इनके कारण ही महामारी जैसी हालत हो रही है और मौत की आबादी बढ़ रही है। इस बीमारी के कारण हर साल दुनिया भर में करीब 14 से 15 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। टाइप बी और सी लाखों लोगों में क्रॉनिक बीमारी का कारण बन रहे हैं क्योंकि इनके कारण लीवर सिरोसिस और कैंसर होता है। ज्यादातर लोगों को इस बीमारी के कारण और लक्षण पता ही नहीं होते जिसके कारण वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। आज हम अपने दर्शकों के लिए इसके लक्षण, कारण और कुछ घरेलू इलाज बताएंगे जिससे आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर की दुनिया में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस बीमारी जिन कारणों से फैलती है वे हैं, नंबर 1, वायरल इन्फेक्शन। लीवर के इन्फ्लेमेशन के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन के कारण भी इस रोग का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी वायरस इसका सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2, अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल को लेना सीधे लीवर और मेटाबॉलिज्म पर असर डालता है जिसकी वजह से लीवर कमजोर होता है। इसलिए ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना हेपेटाइटिस का खतरा बढ़ा देता है। नंबर 3, ज्यादा मात्रा में दवाई लेने से। कुछ दवाइयां जैसे एसिटामिनोफेन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी इस बीमारी का कारण बन सकता है। इसके कारण टॉक्सिक मटेरियल शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और शरीर के कई हिस्सों में सूजन भी आ जाती है। नंबर 4, खराब भोजन और पानी के जरिए भी यह बीमारी हो सकती है। हेपेटाइटिस के मामले गर्मी और बरसात के मौसम में ज्यादा सामने आते हैं क्योंकि इन मौसमों में पानी काफी पोल्यूटेड यानी कि गंदा हो जाता है। नंबर 5, गलत खान पान का असर भी हेपेटाइटिस रोग का कारण बनता है। गलत खान पान का सीधा असर लीवर पर पड़ता है जिससे आप इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे लक्षण। तो आइए अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बीमारी के प्रकारों पर। हेपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है जो वायरस के अनुसार 5 प्रकारों में बांटा गया है। ये 5 प्रकार दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। नंबर 1, हेपेटाइटिस ए। WHO के अनुसार हर साल 1.4 मिलियन लोग इस बीमारी से बीमार हो रहे हैं। ये भोजन और पानी के टॉक्सिक होने से आमतौर पर फैलता है। नंबर 2, हेपेटाइटिस बी। इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन और सीमन और दूसरे फ्लूइड के एक्सपोजर के कारण भी ये होता है। हेपेटाइटिस सी। यह हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। यह ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन के इस्तेमाल से होता है। हेपेटाइटिस डी। यह बीमारी हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होती है जो लोग पहले से HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वे ही इस वायरस से भी इन्फेक्टेड होते हैं। HDV और HVB यानी कि हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस दोनों के एक साथ होने के कारण स्थिति और भी बदतर हो जाती है। हेपेटाइटिस ई। यह बीमारी हेपेटाइटिस ई वायरस के कारण होती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन का यही कारण है। यह टॉक्सिक पानी और खाने के कारण ज्यादा होता है। एक्यूट हेपेटाइटिस। यह तब होता है जब अचानक लीवर में सूजन होती है जिसका लक्षण 6 महीने तक रहता है। HAV इन्फेक्शन के कारण आमतौर पर एक्यूट हेपेटाइटिस होता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक HCV इन्फेक्शन से 13 से 15 मिलियन लोग दुनिया भर में प्रभावित होते हैं। लीवर कैंसर और लीवर की बीमारी के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग मरते हैं। HEV इन्फेक्शन क्रॉनिक रोगी का इम्यून सिस्टम भी बुरी तरह से इफेक्ट होता है। और कैसे आपके आसपास कोई आदमी हेपेटाइटिस बीमारी से ग्रस्त है अगर वो जानना है तो हेपेटाइटिस के लक्षण हैं भूख कम लगना, वजन का घटना, पेट दर्द और सूजन, स्किन पर खुजली होना, पीलिया की समस्या होना, पेशाब का रंग गहना होना, बहुत ज्यादा थकान होना, मतली और उल्टी आना, स्किन और आंखों का पीला पड़ जाना। और ऐसी कंडीशन में जो घरेलू इलाज आप जल्द से जल्द कर सकते हैं वे हैं, नंबर 1, कपूर। हेपेटाइटिस के मरीज के लिए कपूर काफी फायदेमंद माना जाता है। एक गेहूं के दाने बराबर कपूर को शहद के साथ मिलाकर मरीज को दें, इससे उसे काफी फायदा मिलेगा। नंबर 2, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते को पीसकर
उसे मूली के रस के साथ हेपेटाइटिस के रोगी को दें। इसे रेगुलरली लेने से यह बीमारी जल्दी ही दूर भागने लगती है। नंबर 3, हरा धनिया। हरा धनिया और 8-10 तुलसी के पत्तों को 4 लीटर पानी में उबालकर मरीज को पीने के लिए दें। दिन में 2 या 3 बार इसे लेने से मरीज को फायदा पहुंचता है। और नंबर 4, गन्ने का रस। गन्ने के रस के साथ तुलसी लेने से भी हेपेटाइटिस से लड़ने की ताकत मिलती है। गन्ने के रस में तुलसी के पत्ते का पेस्ट मिलाकर तकरीबन 15 से 20 दिन तक रोगी को पिलाएं, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी भी तरह की बीमारी से जूझ रहा है तो हमें कमेंट करके उस बीमारी का नाम बताएं। हम उस बीमारी के लक्षण, उसके होने के कारण और उसके घरेलू इलाजों पर भी वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करें। इसके बाद जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दें। हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी मिस कॉल करें। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे वीडियोस पर क्लिक करें। धन्यवाद।